इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पॉइंटर्स का और स्ट्रिंग्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। स्ट्रिंग्स, जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग्स अरे ऑफ करेक्टर्स को कहा जाता है, यानी हमारे पास कुछ करेक्टर्स होते हैं, वो मिलके एक स्ट्रिंग बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक करेक्टर लिखता हूँ पी। पी एक करेक्टर है। अब पी एक करेक्टर है, उसके साथ एक और करेक्टर हम यहाँ पे ऐड करते हैं ए। इसी तरह के आई एस टी ए एन। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि मुख्तलिफ जो है करेक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं, और ये तमाम करेक्टर्स मिलके क्या बना रहे हैं, ये एक अरे बना रहे हैं, और जिसको हम एज ए होल मुकम्मल तौर पे एक स्ट्रिंग कहते हैं। यानी ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। और ये क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, पाकिस्तान का, यानी ये पाकिस्तान की एक स्ट्रिंग है। अब जब भी हम स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं मेमोरी में, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हमें एक अरे बनानी पड़ती है जहाँ पे हमारा हर करेक्टर स्टोर हो जाता है। और जब भी हम एक अरे बनाते हैं, तो उस अरे में क्या होता है, हर अरे के अंदर हम जानते हैं कि अरे के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, या इंडेक्स होता है। अरे के हर सेक्शन जो होता है उसमें इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं इसी पाकिस्तान जो हमने यहाँ लिखा है, अगर मैं इसकी एक अरे बना लूँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका पहला सेक्शन होगा ये, तो पी स्टोर होगा यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स में। और हर इंडेक्स को हम क्या करते हैं, एक नंबर से शो करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको शो करूँगा ज़ीरो से। इसी तरह जो हमारे पास अगला करेक्टर है ए, वो यहाँ पे आके स्टोर होगा, और उसको भी हम यहाँ पे एक इंडेक्स से शो करेंगे। यानी इस तरह से हमारे जितने भी करेक्टर्स हैं वो एक करेक्टर अरे में इस तरह से स्टोर होते हैं। अब जो भी करेक्टर स्टोर होता है उसका एक एड्रेस भी होता है। जैसे यहाँ पे पी लिखा हुआ है, इसका एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका एड्रेस होगा 2119। अब 2119 जो है ये इसका एड्रेस है। तो होता क्या है कि ये जो इसका एड्रेस होता है, ये हम क्या करते हैं कि एक अलहदा से एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं। हम एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं और उस पॉइंटर वेरिएबल में इस एड्रेस को स्टोर कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है y, और उस y के अंदर हम क्या करेंगे, उस y के अंदर हम इस एड्रेस को स्टोर कर देंगे, यानी 2119 जो है वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि हम इस पॉइंटर वेरिएबल, यानी कि स्टेरिक वाई हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसके जरिए हम क्या करेंगे, एक्सेस कर सकेंगे इस पी को। और इसी तरह हम एड्रेसेस स्टोर करते हैं अपने पॉइंटर वेरिएबल में, और उसके जरिए हम किसी भी करेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के। ये कहलाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है पॉइंटर और स्ट्रिंग का। ये जब कभी भी आपने स्ट्रिंग के जो करेक्टर्स होते हैं उनको आपने एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक करेक्टर आ रहा है टी, अगर मैंने इसको टी को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंटर वेरिएबल के जरिए टी को एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये काम होता कैसे है, इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। अब उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझने से पहले हमें एक मेमरी मैपिंग थोड़ी सी हमारी क्लियर हो जाए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने एक करेक्टर अरे बनाई है, और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर की है यहाँ पे ट्यूटोरियल के नाम से। अब यहाँ पे टी एक करेक्टर है, यू एक करेक्टर है, टी एक करेक्टर है, इस तरह ये मुकम्मल ट्यूटोरियल के नाम से हमने एक स्ट्रिंग बना ली है। अब ये एल पे आके हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। उसके बाद अरे का जो अगला हमारे पास इंडेक्स है, वो दरअसल यहाँ पे एक करेक्टर स्टोर होता है, इस करेक्टर को कहा जाता है नल करेक्टर। अब ये हमारे पास जो लास्ट करेक्टर है नल करेक्टर कहलाता है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे आके हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। ऐसे यहाँ पे ट्यूटोरियल की मुकम्मल एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, आखिर में आके जो ये वाला करेक्टर है ये इसको यहाँ पे ये हमें आइडेंटिफाई कर रही है, हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है। इसके अलावा इस स्ट्रिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि हर करेक्टर जो है उसका एक खास इंडेक्स है। जैसे यहाँ पे टी करेक्टर है, इसका इंडेक्स है यहाँ पे जीरो, और इसका एड्रेस यहाँ पे क्या है, टेन। यानी अगर आप क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू अगर मैं टी को एक्सेस करना चाहूँगा, तो ये जो एड्रेस होगा मेरे पास 10, ये क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा पॉइंटर वेरिएबल में। लेट सपोज ये एक पॉइंटर वेरिएबल है पी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को स्टोर कर देंगे। तो जब कभी मैं स्टेरिक पी लिखूंगा, और इसका मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ इस टी को, क्योंकि मैंने इसका एड्रेस स्टोर कर लिया, और यही पॉइंटर काम करता है। अभी हमने इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली है, अब हम आ जाते हैं इसके कोड के ऊपर, और कोड में समझते हैं कि ये काम कैसे होता है। इसके लिए हमने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग ली है, उसका साइज हमने रखा है 8, और उसके अंदर हमने एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर कर ली है माई बुक के नाम से। अब माय जो होगा इसका एम जो है वो फर्स्ट करेक्टर है, वाई सेकंड करेक्टर है, उसके बाद हमने स्पेस दी है, स्पेस इसका थर्ड करेक्टर होगा। इसी तरह हमारे पास टोटल ये 8 करेक्टर जो हैं ये मिलके एक स्ट्रिंग बना रहे हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है स्टैटिक पी के नाम से, और ये करेक्टर पॉइंटर वेरिएबल है, यानी ये क्या करेगा, अपने किसी भी करेक्टर को एक्सेस कर सकेगा। अब नीचे की जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक जो स्ट्रिंग थी हमारी, इसका जो जीरोथ इंडेक्स है, इसका जो जीरोथ इंडेक्स है उसका जो एड्रेस है वो हमने स्टोर करवा दिया पी में। जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी कि हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर क्या स्टोर होता है, इसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है। एड्रेस किसका स्टोर होता है, जो जीरोथ इंडेक्स में हमारी वैल्यू पड़ी हुई है। तो इसके अंदर एड्रेस स्टोर हो गया है जीरोथ इंडेक्स में जो हमारी वैल्यू मौजूद है, यानी माई एम जहाँ मौजूद है, एम पहला करेक्टर है, इसका जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा पी के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, और वाइल लूप के जरिए हम बारी बारी इस मुकम्मल करेक्टर अरे को, इस मुकम्मल स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे, इसके एक एक करेक्टर को पॉइंटर वेरिएबल के जरिए। इसे कैसे किया जाता है इसको अब आपने समझना है। अब इस कोड को समझने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे मेमोरी मैपिंग कर लेते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है माई बुक के नाम से, और इसके अंदर जो है ये हमारे पास जो है ये जीरोथ इंडेक्स के ऊपर वन स्टोर हुआ है, वन इंडेक्स पे वाई स्टोर हुआ है, उसके बाद स्पेस का अपना एक करेक्टर होता है वो सेकंड इंडेक्स पे स्टोर है, इसी तरह थर्ड इंडेक्स है, उसके बाद फोर्थ इंडेक्स है, फाइव है, सिक्स है, और यहाँ पे हमारे पास सेवन इंडेक्स आ जाता है। तो ये एक स्ट्रिंग है, और इसके अंदर जो आपको लास्ट करेक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला, ये दरअसल हमारी स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है, ये एक इंडिकेटर के तौर पे, एक निशानदेही के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इससे जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये हमारे पास क्या एक नल करेक्टर है जो कि हमारी स्ट्रिंग के आखिर में आता है, जैसे ये आएगा तो यहाँ पे आके हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी। ये यहाँ पे जो हमने पी है, ये हमने एक पॉइंटर वेरिएबल रखा हुआ है, यहाँ पे हमने कोड में जो यहाँ स्टेटमेंट लिखी थी ये वाली, ये क्या कर रहा है कि जो हमारी स्ट्रिंग थी इसके जीरो इंडेक्स का जो एड्रेस है, लेट सपोज वो एड्रेस हम मान लेते हैं कि वो है 21, तो ये क्या करेगा 21 को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और जब कभी भी आप यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक पी तो ये इसको एक्सेस करेगा इस एम कैरेक्टर को। अब यहाँ पे हम देखें कि वाइल लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वाइल लूप में आप यहाँ लिखेंगे स्टैटिक पी इज नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे हम चूंकि करेक्टर को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंगल कॉमास से जाहिर करते हैं, नल करेक्टर, यानी जैसे ही हमारी स्टैटिक पी की वैल्यू जो होगी वो नल करेक्टर होगी तो हमारी जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगी, हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर स्टैटिक पी की वैल्यू नल करेक्टर के अलावा कोई और वैल्यू है, जैसे अगर उसकी वैल्यू एम आ रही है या स्टैटिक पी की वैल्यू वाई आ रही है, तब हमारी लूप चलती रहेगी। अब इसके अंदर हमने जो प्रिंट की कमांड लिखनी है, हम वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि हमने एक करेक्टर प्रिंट करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे सी, क्योंकि हमने करेक्टर प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंट सी कॉमा स्टैटिक पी और आखिर में सेमी कॉलन, और आखिर में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे पी प्लस प्लस, यानी पी की जो वैल्यू है उसमें एक का इजाफा हो जाना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे आप देखें कि पी की वैल्यू यहाँ पे 21 है, उसके बाद जब लूप चल जाएगी, एक दफ़ा लूप मुकम्मल हो जाएगी तो हमारा एम का जो करेक्टर होगा ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद लूप ने जब दोबारा चलना होगा तो एम की पी की वैल्यू में एक इंक्रीज हो जाएगा प्लस वन का, जो क्या होगा 22, यानी कि हमारे पास जो अगला करेक्टर है वाई उसका एड्रेस फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वो 22 है, अगले स्पेस आ रही है इसका एड्रेस है 23, इसका है 24, उसके बाद जितने भी करेक्टर्स हैं इनके तमाम एड्रेसेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं 26, तो ये तमाम एड्रेसेस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो बारी बारी लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगी तो पी की वैल्यू होगी 21 इस स्टेटमेंट की वजह से, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, और उसके बाद यहाँ पे वाइल लूप चलेगी और यहाँ पे चेक होगा पॉइंटर पी इज नॉट इक्वल टू नल करेक्टर। अब देखिए यहाँ पे जब पॉइंटर पी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, पॉइंटर पी की वैल्यू यहाँ पे आएगी एम, क्यों एम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसमें एम का एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन में पुट करें यहाँ पे तो m पॉइंटर p की वैल्यू है m इज नॉट इक्वल टू नल करेक्टर। अब देखें इस स्टेटमेंट को अगर हम समझें तो ये स्टेटमेंट में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए, या तो स्टेटमेंट ये ट्रू होगी या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो m is not equal to null character, m जो है वो null character के बराबर नहीं है, तो इसका result हमारे पास क्या आएगा, इसका result हमारे पास आएगा true,
और जैसे ही ट्रू होगा आप वाइल लूप की बॉडी में एंटर हो जाएंगे और उसके बाद ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि पॉइंटर पी की वैल्यू जो क्या थी एम वो प्रिंट करवा देगी, उसके बाद पी प्लस प्लस हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 से 22 हो जाएगी, यानी अब आप जंप कर जाएंगे नेक्स्ट करेक्टर की तरफ, यानी अगला जो हमारा प्रिंट होगा वो वाई प्रिंट होगा। इसी तरह फिर स्पेस प्रिंट होगी, फिर बी प्रिंट होगा, फिर ओ प्रिंट होगा, फिर ओ, फिर के, और आखिर में जब एक वक्त ऐसा आएगा कि पॉइंटर पी की वैल्यू जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी नल करेक्टर के, और जैसे ही ये होगा तो हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। पॉइंटर पी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फॉर एग्जांपल पॉइंटर पी की वैल्यू हमारे पास आती है नल करेक्टर, और यहाँ पे हम लिखते हैं नल करेक्टर इज नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, तो ये जाहिर सी बात है ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है क्योंकि नल करेक्टर आपस में बराबर हैं, जबकि ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि नल करेक्टर आपस में बराबर नहीं है, तो इसकी रिजल्ट आएगा फॉल्स, जैसे ही फॉल्स आएगा तो आप वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी लूप काम करेगी। अब हम इसको अगर कंपाइल एंड रन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है माय बुक। ये माय बुक कौन प्रिंट करवा रहा है, वो ये प्रिंट की स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही है, पहले उसने एम को प्रिंट किया, फिर वाई को, इसी तरह मुकम्मल स्ट्रिंग को उसने प्रिंट किया और आखिर में हमारी लूप ब्रेक कर गई। तो आपने देखा किस तरह से हम पॉइंटर पी यानी पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग के एक एक अल्फाबेट को एक्सेस कर रहे हैं और उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है कि स्ट्रिंग का और पॉइंटर का आपस में क्या रिलेशनशिप है।